लालबर्रा में 12 मार्च को क्षेत्रीय विधायक अनुभा मुंजारे ने अपने कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ सर्राठी जलाशय की निर्माणाधीन नहरों के लाइनिंग कार्य का निरीक्षण किया, जिसमें अनेक खामियां पाई गई। गुणवत्ताहीन हो रहे कार्य के लिए विभागीय अधिकारियों को विधायक अनुभा मुंजारे ने हिदायत देते हुए कहा कि लाइनिंग निर्माण का कार्य गुणवत्ता के साथ किया जाए, अन्यथा नहर ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी, जिसका खामियाजा किसान भाइयों को भुगतना पड़ेगा। साथ ही मीडिया कर्मियों से उन्होंने कहा कि नहर लाइनिंग निर्माण कार्य के दौरान उनके द्वारा बार बार निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता को देखा जाएगा। हालांकि इस मामले में मिल रही लगातार शिकायतों के बाद उनके द्वारा विधानसभा में भी सवाल उठाया गया है। वही इस संबंध में जल संसाधन विभाग सर्वेक्षण संभाग बालाघाट के कार्यपालन यंत्री उदय सिंह परते ने निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता युक्त कार्य कराए जाने की बात कही है। सर्राठी नहर के निरीक्षण पे हम लोगों का आने का अवसर मिला और हमारे आम जन और किसानों की लंबे समय से समस्या है कि यहाँ पे नहर का पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण बहुत बड़ी तादाद में हमारे किसान भाइयों की खेती सूख जाती, धान की जो फसल है वो नष्ट हो जाती पानी के अभाव में। तो लगातार जनता की ये मांग थी, हमारे किसान भाइयों की मांग थी और उसी मांग का सम्मान करते हुए आज मैं इस यहाँ के दौरे पर आई हूँ और मेरे साथ में जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी आए हुए हैं, अधीक्षण हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर SDO और सब इंजीनियर और उनका स्टाफ और संबंधित हमारे क्षेत्र के सम्मानीय किसान भाई, हमारे पार्टी के साथीगण। तो यहाँ पे हमने जो निरीक्षण किया उसमें ये देखने में आया कि नहरों का जो लाइनीकरण का काम हो रहा है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है। ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि जिस तरह से गुणवत्ता से काम होना था वो नहीं हुआ है। सीमेंटीकरण जो हो रहा है वो उसका स्तर सही नहीं है। कई जगह से सीमेंट उधड़ी हुई पाई गई जिसको संभालने का प्रयास किया गया है और इसमें ये अंदेशा हमारे संबंधित किसान भाइयों के द्वारा बताया जा रहा है कि अगर इस तरह से निर्माण हो रहा है तो फिर लंबे समय तक ये नहर नहीं चल पाएगी और पानी पर्याप्त तरह से जैसा मिलना चाहिए किसान भाइयों को खेतों में नहीं मिल पाएगा और बहुत जल्दी नहर दम तोड़ देगी या उसकी क्षमता खत्म हो जाएगी। तो संबंधित हमारे जो विभाग के अधिकारीगण हैं उनको मैंने कहा है कि इसकी गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान रखा जाए, संबंधित जो ठेकेदार हैं उनको सही तरीके से काम करने के लिए निर्देशित किया जाए और जहाँ जहाँ जो गड़बड़ी देखी गई है, जो मजबूती से काम नहीं हुआ है, सीमेंट उधड़ रही है, कमजोर हालत है, वहाँ पर हमने कहा है कि इस आप लोगों को इसको फिर से तोड़कर नया बनाना है और इसके लिए संबंधित हमारे अधिकारियों ने भी इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसको तोड़ के हम नया बनाएंगे जिससे कि मजबूत नहर बने और हमारे किसान भाइयों को पर्याप्त पानी मिले। और मैं तो हमेशा से इस बात के लिए कृत संकल्पित हूँ कि मेरे क्षेत्र की जनता हर तरह से खुशहाल रहे और हमारे यहाँ पे 70% हमारे किसान भाई हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी। हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को सिंचाई का पर्याप्त पानी मिले, उनके खेतों में हरियाली आए, फसल अच्छी उत्पन्न हो। इस दिशा में हम लोगों का पूरा प्रयास है और इसीलिए जल संसाधन विभाग से मेरा निरंतर संपर्क बना हुआ है और आप सभी जानते हैं कि मैंने विगत दिनों विधानसभा में भी सर्राठी जलाशय का मामला उठाया था और विधानसभा का ध्यान आकर्षित कराने का मैंने प्रयास किया था और लगातार हमारा ये प्रयास जारी है। हम कहीं भी भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, अनियमितता कहीं हो रही है तो उस पर रोकथाम करने की दिशा में हम काम करेंगे और पूरी ईमानदारी से अच्छा काम हो, यही हमारा प्रयास। मैडम, जैसा कि निश्चित डैम की पार में रखरखाव के अभाव के चलते अभी झाड़ियां उगाई है, ऐसे में कभी भी गंभीर स्थिति हो सकती है, इसके लिए आपने अधिकारियों से क्या कहा? बिल्कुल गंभीर स्थिति हो सकती है रखरखाव के अभाव में। हम देख रहे हैं कि ये जो डैम है ये हमारे बालाघाट जिले की एक बहुत बड़ी धरोहर है। भले ही अंग्रेजी शासन काल में बना है ये जो डैम है लेकिन आज भी हमारे लिए एक तरह से जीवन दायनी, हमारे सिंचाई के साधन का बहुत बड़ा माध्यम है। लेकिन पर्याप्त रखरखाव नहीं होने के कारण हम देख रहे हैं कि चारों तरफ झाड़ झंकाड़ उग गए हैं और इससे गंभीर घटनाएं घटित होने की भी संभावना है। हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है श्री परते जी, मैंने उनका ध्यान इस तरफ दिलाया और उनसे कहा है कि इसको आप किसी भी व्यवस्था के तहत आप इसकी सफाई करवाएं जिससे आसपास की झाड़ झंकार निकल जाएं, साफ सुथरा हमारा डैम हो
और किसी तरह की दुर्घटनाओं की भी आशंका ना रहे। मैं उदय सिंह परते, कार्यपालिक यंत्री जल संसाधन सहयोग से संभाग बालाघाट। आज स्थानीय विधायक द्वारा नहरों की लाइनिंग कार्य का निरीक्षण किया गया, क्या निर्देश दिए गए उनके द्वारा? माननीय विधायक महोदय ने निर्देश दिए गए कि गुणवत्ता के साथ काम कराना है और भविष्य में अच्छा काम कराना है, टेक्निकली प्रॉपर लाइनिंग, प्रॉपर तराई और जो ड्राइंग डिजाइन में जो है प्रावधान है उसके साथ काम कराना है, किसानों को खेत में पानी पहुंचाना है। आप भी मानते हैं देख के मौके पे कि गुणवत्ता ही काम हुआ है? गुणवत्ता के तहत काम करवा रहे हैं हम, लगातार हमारे एसडीओ साहब में हमारे सभी मॉनिटरिंग करते हैं और लगातार हम चेक करते हैं, गुणवत्ता के साथ काम कराते हैं और भविष्य में भी कराएंगे। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।